नमस्कार दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.56% के क्लियर आपको गिरावट नजर आ रहे हैं। तो उसी के साथ देखेंगे स्टॉक में एक डोजी कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार स्टॉक में एक तेजी का मोमेंट बना हुआ है। अब सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में यहाँ पे तेजी आएगा या गिरावट आएगा, तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे आएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा शेयर स्टॉक अब एक्जैक्टली के हाई रहेगा कंडीशन बना के स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर बढ़ता हुआ नजर आया। तो यहां पर 303.75 रुपये 304 रुपये का जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको भी ब्रेकआउट करके स्टॉक क्लियरली ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे स्टॉक यहां पे एक अप ट्रेंड भी कंटिन्यू कर रहा है, तो मैक्सिमम संभावना है स्टॉक यहां से ऊपर बढ़ने की। जैसे कि आप देखेंगे हमने पहले जिससे एनालिसिस किया था कि स्टॉक यहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, वही कंडीशन हमें दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी गिरावट पर डर गए थे और काफी लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने क्लियरली बोला था कि स्टॉक यहां पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा। हालांकि रिलायंस इंफ्रा का मैंने काफी समय से वीडियो बनाया नहीं, काफी समय के बाद वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा जिस तरीके से हमने डिसाइड किया था, जिस तरीके से हमने एनालिसिस किया था, उसी तरीके से हमें परफॉर्म हमें दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों हम टारगेट की बात करेंगे, लेकिन यहां पे दिखाई दे रहा है कि स्टॉक के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। सो दोस्तों टारगेट की अगर बात करें, टारगेट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, 398 रुपये का पहला टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट 557 रुपये में देखने को मिल रहा है, तीसरा टारगेट 715 में, एंड नेक्स्ट टारगेट आपको 813 रुपये में दिखाई दे रहा है। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है, वीडियो एजुकेशन पर्पज बनाया गया। इस वीडियो को एक लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।